जो रूठा तो कौन हसेगा, तू जो छूटा तो कौन रहेगा, तू चुप है तो ये डर लगता है, अपना मुझको अब कौन कहेगा, तू ही वजह तेरे बिना हेलो दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, किड़ो वाल है, कसका है, कि मुना छो, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल फ्री की ट्रैवलर पे। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देख ही लिया होगा वीडियो में कि हमारे पीछे आज स्कूल है, तो हम लोग अभी स्कूल में आए हुए हैं और आज हमारा स्कूल में और इस क्लास ट्वेल्थ में आज हमारा आखिरी दिन है। तो जुड़ रहे हैं इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे हम कैसे स्कूल में अपना स्क्रिबल डे मनाते हैं। तो बेसिकली हम आपको सारी चीज़ें दिखाएंगे कि कौन किसकी शर्ट पे कैसी कैसी चीज़ें लिखता है, क्या क्या लिखता है। तो जुड़े रहें इस वीडियो में। और दोस्तों, काफ़ी इमोशनल वीडियो होने वाला है आज का ये। मैं खुद स्कूल में 11 साल से हूँ और देखिए, टाइम का पता ही नहीं चलता कब 11 साल से अचानक से आज कुछ घंटे ही बचे हैं अभी स्कूल में। तो स्टे ट्यून्ड और इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। राजा लड़े फिर खिलौनों के लिए, तू जीते मैं हार जाऊं।
चाहता हूँ कभी ना बीते चमकीले दिन दिल चाहता हूँ हम ना रहे कभी यारों के बिन दोस्तों। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे।
तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको दिखाया था कि हमारा वो ऑर्केस्ट्रा वाला कुछ सेरेमनी सी हुई थी, तो अभी तो हम लोग अपने घर पर हैं। उसके बाद हम लोग एक दूसरे की शर्ट्स पे लिखने और लिखवाने में बिजी हो गए थे, तो कुछ खास ज़्यादा शूट किया नहीं। जो भी शूट किया था या जो भी फ़ोटोज़ खींची थी वो हमने आपको दिखाई दी थी इससे पहले। तो आशा है कि आपको अब तक ये वीडियो पसंद आया होगा। बस एक ही चीज़ का अफसोस है कि ब्लेसिंग सेरेमनी के टाइम पे प्रिंसिपल मैम के सामने मुझे कुछ बोलना था, वो मुझे नहीं बोलने दिया गया। रीज़न ये दिया गया था कि आप स्कूल की बुराई नहीं कर सकते प्रिंसिपल मैम के सामने, बट अगर देखा जाए तो वो कोई बुराई नहीं थी, वो हम अपने व्यूज़ रख रहे हैं कि हमारे साथ क्या क्या हुआ था इन 11 सालों में स्कूल में। तो दोस्तों, बस उसी चीज़ का अफसोस है कि हम नहीं बोल पाए उस समय। अगर हमें बोलने दिया जाता तो और अच्छा रहता, बट कोई नहीं, अब तो जो हो गया सो हो गया। मूविंग ऑन, आप देख ही सकते हैं हमारी पूरी शर्ट पुत चुकी है, आगे से भी पिक पुती है और पीछे से भी बहुतों ने बहुत कुछ लिखा है, वो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो दोस्तों आइए, आज की फ़ोटोज़ तो हमने आपको दिखाई दी थी, अभी अब कुछ पुरानी फ़ोटोज़ देखते हैं, उससे आपकी भी यादें ताज़ा होंगी, हमारी भी होंगी और आपको ज़रूर मज़ा आने वाला है। अगर आप स्कूल में हैं पहले से और आप मेरी क्लास में रह चुके हैं तो आपको ज़रूर मज़ा आने वाला है, आप भी होंगे इन फ़ोटोज़ में। तो चलिए फ़ोटोज़ देखिए, मज़ा लीजिए और उसके बाद हम आपको डिटेल में दिखाएंगे कि क्या क्या चीज़ें लिखी गई हैं हमारी शर्ट पे, आगे भी और पीछे भी। स्टे ट्यून्ड। दोस्तों आशा है कि आपको फ़ोटोज़ पसंद आई होंगी, आपकी भी थोड़ी वक्त पुरानी यादें ताज़ा हुई होंगी। तो चलिए अब द मोस्ट अवेटेड मोमेंट ऑफ द वीडियो आ चुका है, ये रही हमारे साथ हमारी स्कूल की शर्ट, आप देख ही सकते हैं बहुत कुछ लिखा हुआ है। तो चलिए अब इन्हें पढ़ना शुरू करते हैं, क्या क्या लिखा है। सबसे पहले आगे का पढ़ेंगे, उसके बाद पीछे का पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले लिखा है वरुण, नाम लिखे हुए हैं बच्चों के यहाँ पे, ये पता नहीं किसने लिखा है, एल लव्स एन क्यों लिखा है समझ नहीं आया मेरे को। तो ये फूल बनाया हुआ है यहाँ पे, यूट्यूब का प्ले बटन है, टॉपर लिखा है अनुराग, फिर नाम लिखा है सेक्सी मैन यूट्यूब व्लॉगर, ये क्या है, स्टे सेम। और दोस्तों ये जो ऑल द बेस्ट लिखा है, ये इकलौते टीचर ने लिखा है हमारे अमित सर ने। तो दोस्तों जो हमने आपको दिखाया, ऑल द बेस्ट लिखा था अमित सर ने, इकलौते टीचर थे जिन्होंने हमारी शर्ट पे कुछ लिखा। मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आया क्यों बाकी टीचर्स ने लिखने से मना कर दिया, बट कोई बात नहीं, उनकी विशेष तो हमारे साथ हैं ही। चलिए कंटिन्यू करते हैं ये पढ़ना बाकी की चीज़ें। दोस्तों हमने यहाँ तक पढ़ लिया था यूट्यूब ब्लॉगर तक, अब राइट साइड कंटिन्यू करते हैं। ये देखिए सबसे पहले नीचे से शुरू कर रहे हैं, यहाँ लिखा है टीचर का लाडला, पता नहीं क्यों लिखा है, ऑल द बेस्ट वंशिका छिपकली। दोस्तों ये छिपकली की बहुत लंबी स्टोरी है, तो किसी दिन आराम से बैठ के बात करेंगे इस बारे में, फ़िलहाल पढ़ते हैं बाकी की चीज़ें।
ऑल द बेस्ट लिखा है, प्रियांशु लिखा है, ऊपर वाइटी डॉन उरव, यहाँ पर देखे तो लिखा है यू विल बी मिस ब्रदर। अब आइए पीछे चलते हैं, क्या कलाकारी कर रखी है पीछे, ये देखिए पूरी शर्ट का हाल। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं ऊपर से पढ़ना। सबसे पहले लिखा है लेट मिले बट अच्छा था, तो कोई बात नहीं, मिले हम वही काफ़ी था, लेट तो मिले, काश पहले मिले होते, ज़्यादा टाइम मिलता साथ में। उसके बाद लिखा है यश डैडी, दोस्तों इसका पता नहीं क्या मन था, हर किसी की शर्ट पर जाके अपना नाम लिख रहा था और फिर वो बच्चे इसकी शर्ट पर नाम लिख रहे थे। खैर कोई बात नहीं, आखिरी दिन था, ये सब तो होना ही था। फिर हर्ष ने अपना नाम लिखा है, नीचे लिखा है ऑल द बेस्ट कॉमर्स टॉपर हो। फिर दिया ने लिखा है यूट्यूब वाले बॉय ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन लव एंड पीस व्लॉगर मैट, ये मैट मुतासिम ने लिखा है। उसके बाद क्या लिखा है, स्टे सेम फ्रीकी ट्रैवलर, सौरभ सर का फेवरेट, बहुत ही बढ़िया, पता नहीं कहाँ से फेवरेट बना दिया। और स्लीव पे क्या लिखा है, 10 रुपये की पेप्सी उर्फ भाई सेक्सी, बहुत ही बढ़िया, ये शायद बस में किसी ने लिखा था बड़े लोग। फिर इस वाली स्लीव पे भरत ने अपना नाम लिखा है। तो दोस्तों यही था, इतनी सारी चीज़ें लिखी गई हैं शर्ट पे। आप बताएं, आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं आपको बेस्ट पार्ट क्या लगा पूरी शर्ट पे, वो पीछे का था, ये पूरा आगे का है। और इस वाली स्लीव पे लिखा है बड़े लोग, परीक्षित ने लिखा था, और फिर इधर मिस्टर टॉपर। तो दोस्तों ये था हमारी शर्ट का हाल, और आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, लास्ट डे हमारा हो गया है स्कूल में, अब पता नहीं कब स्कूल जाना होगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही, अब आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, खुद भी करें दूसरों से भी करवाएं, और हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपको इस वीडियो में सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा। तो गाइज सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड बाय बाय।